मुझे लगता है कि पुलिस की काफ़ी त्वरित कार्रवाई से घबरा कर दोनों अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को भरवेली थाने के पास छोड़कर भाग गए। बालाघाट जिले के बारासिवनी से दिन दहाड़े 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना दो युवाओं की सामाजिक जिम्मेदारी के आगे असफल हो गई। पुलिस ने जहां घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अपहृत बालक का फोटो अपलोड कर लोगों को संदेश दिया, तो वहीं लोगों ने इसे अपना कर्तव्य समझकर जमकर वायरल कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 6 घंटे के भीतर ही किडनैपर बच्चे को भरवेली थाने के पास छोड़कर भाग गए। वहीं इस बच्चे पर जैसे ही दवा लेने मेडिकल जा रही भरवेली की प्रियंका नागेश्वर और यूनुस की नज़र पड़ी। उन्होंने तत्काल बच्चे से चर्चा के बाद मामले की सूचना पुलिस को देकर अपहरण की इस घटना को यहीं पर विराम लगा दिया। बच्चा पुलिस से होकर माँ और पिता के पास पहुँच चुका है। इसी को लेकर बालाघाट पुलिस ने आज रात्रि में इमरजेंसी वार्ता बुलाकर सामाजिक कर्तव्य निभाने वाले युवक युवती का सम्मान किया। साथ ही मीडिया से चर्चा में अपहरण से जुड़े इस मामले की संपूर्ण जानकारी साझा की। आइए नज़र डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर SP समीर सौरभ ने क्या कुछ कहा है। दो लड़के थे जिन लोगों ने इसको घर से बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बिठा कर और उसके बाद अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में लेके भागे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हमने 6-8 अलग अलग टीम्स गठित की जिसमें CCTV फुटेज पूरे रास्ते का देखना ताकि हमें ये पता चल पाए कि किस रास्ते से अपहरणकर्ता बच्चे को लेके भागे हैं। एक टीम जो स्पॉट था वहाँ पर जो अन्य बच्चे खेल रहे थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और सेपरेट टीम्स जो हमारी आसूचना संकलन की वो लगी हुई थी। तो मल्टीपल चैनल्स में इनके गांव में भी हमने एक टीम लगा के रखी, तो मल्टीपल चैनल से पूरा जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे लगता है कि पुलिस की काफ़ी त्वरित कार्रवाई से घबरा कर दोनों अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को भरवेली थाने के पास छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पर मैं दो लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, ये लोग जो दो बैठे हैं यहाँ पे, इन लोगों ने उस बच्चे को अकेले देखा रात में, उसके बाद जबकि अपने काम से जा रहे थे मेडिकल की कुछ सामान लेने के लिए, इन लोगों ने बच्चे को देखा रात को 10:30 बजे, उससे पूछा, हालांकि बच्चा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा था, उसके बाद भी अपने कॉल ऑफ ड्यूटी को समझते हुए एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ अदा करते हुए ये लोग उसको थाने पे लेके आए और उसके बाद फिर हमने जब बच्चे से पूछताछ की तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाई। जो दो आरोपी हैं उनमें दोनों आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पर अभी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी सेपरेट टीम्स उनको उनके दबिश में लगी हुई है और मुझे लगता है अगले 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपी, अगर कोई तीसरा है तो तीसरा आरोपी भी हमारे पुलिस के कब्जे में होगा। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बालाघाट जिले के हैं या बाहर के? बालाघाट के। ये जिस तरह से घटना कारित की गई, अगर आप वारासिवनी में जैसा बातचीत हुई तो ये लोग दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक तो परिचित के भी हो सकते हैं, हालांकि अभी फाइनली जो निकला वो परिचित का एंगल अभी तक तो नहीं आया है, परंतु थे बालाघाट के। जिस तरह से इन लोगों ने पहले एक दिन पहले आके रेकी की पूरे एरिया की, और जो दो अपहरणकर्ता हैं उन्होंने पहले बच्चों से संपर्क बनाया, उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनके माता पिता का नाम जाना और अगले दिन फिर उस बच्चों को नाम से बुलाया कि दक्ष इधर आओ भाई, तो उस चक्कर में फिर बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। एक तो कि दो तीन चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसमें। सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि CCTV लगभग सभी दुकान वाले इस चीज़ को गंभीरता को समझते हुए लगाते हैं, परंतु कई CCTV कैमरे ऐसे थे जिनका लोकेशन एकदम परफेक्ट था पर उनके सामने बोर्ड उन्होंने नया लगा दिया कि दवा खाना या फिर कोई ऐसा, जिसके कारण बिल्कुल जिस लोकेशन पे हमें चाहिए वहाँ का फुटेज नहीं मिल पा रहा था। तो एक तो अगर आपने CCTV फुटेज अपने दुकानों या कहीं पर भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट लगाए हैं तो कृपया ज़रूर देखें कि उससे रोड का क्लियर व्यू आ पा रहा है कि नहीं, ताकि अगर आपको कभी आवश्यकता पड़े खुदा ना खास्ते तो इमीडिएटली हम लोग उसको ट्रैक कर सकें। ऐसे बहुत ही बिरले रोग आजकल हैं जो कि अपने समय में इन्होंने एटलीस्ट उतनी अवेयरनेस दिखाई कि बच्चा अंधेरे में था तो उसको पहले लाइट मिलाई, फिर उन्होंने बात की, इनको शुरू में लगा कि वो शायद इसके परिचित हैं, परंतु जब क्लियर हुआ कि परिचित नहीं है और बच्चा डर रहा था
तो फिर ये लोग को लगा कि कुछ गड़बड़। हाँ, आप खुद अपना नाम बता दें और कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं वो बताएंगे। घटना के बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरा नाम यूनुस खान है। थोड़ा सामने सामने स्पीकर में आके। सर मेरा नाम यूनुस खान है। सर वो बच्चा अंधेरे में खड़ा था, अब मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा, और फिर क्या उसके एक पैर में चप्पल नहीं थी और एक पैर में थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या तकलीफ है। वो बोलता है तो अंकल मेरे को डर लग रहा, मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहो मेरे अंकल के आए तक। अब जिसने भी उसको ले गया तो छोड़ के गया होगा, तो उसने ये बोला कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो ये बच्चा डर रहा था। मैंने बोला बेटा उजाले में खड़े, तो बोलता अंकल आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं जब मेरे अंकल आ जाएंगे तो आप चले जाइएगा। तो बहुत देर तक मैं उससे बात किया, फिर वो अच्छा बताया कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी डिटेल पूछा मैंने। बेटा मामी का नंबर, पापा का नंबर, बोलता मेरे को नंबर याद नहीं है। मैं मेडिकल जा रही तब किसी ने उसे छोड़ा, मैं रिटर्न जब आई तब अकेले ही खड़ा था, तो मैंने पूछी कहाँ क्या कर रहे हो बेटा यहाँ अकेले, बोले मुझे कोई छोड़ के गया अभी आ रहे, ऐसा बोले। मेरे अंकल आया तो बातचीत करे हमने, तब फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा कि सांस्कृतिक बच्चा मतलब भूल गया, तब हमने देखे तो वो वही था, तो फिर हम स्टेशन में कैसे। तो आपने वो बच्चे को छोड़ते हुए जाते हुए देखा था बाइक वाले? हाँ, मतलब बाइक वाले को देखा है, पर चूंकि अंधेरे का अंधेरे में छोड़े हुए थे, बिल्कुल अंधेरा था ज़्यादा क्लियर। दो लोग तो ये है। अब हम लोगों ने अभी इंतजाम किया है कुछ इनके स्वागत के लिए। आप लोग का कोई और प्रश्न हो तो पूछ ले। हमारे एडियो भी साथ पर आएगा साहब, जिनमें प्लीज़ और बताइए।